ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो पांचवा अध्याय 20वां श्लोक। तो अब हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जब मैत्रेय ऋषि ने प्रश्नों के उत्तर देना शुरू किया और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हे विदुर, तुमने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं और तुम्हारी कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों के कारण मैं कुछ बोल पाऊंगा। इन वार्ताओं को सुनकर हमें ये समझना चाहिए कि जब दो भक्त साथ में बैठते हैं तो उन्हें कृष्ण संबंधी चर्चा करनी चाहिए। कुछ नहीं, एक व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछ ले, फिर देखिए कैसी चर्चा पे चर्चा पे चर्चा। आपको याद होगा कई बार हम प्रश्न उत्तर का सेशन करते हैं, उस सेशन के शुरू में एकदम शांति, लोग कहते हैं भाई ये क्या हो गया, आज बोलना पड़ेगा। 5 मिनट तक कोई नहीं बोला, उसके बाद किसी ने कहीं से कोई कोने से प्रश्न पूछ दिया, उसके बाद इतने प्रश्न कि 9:30 बज गए, ख़त्म नहीं हो रहे प्रश्न। तो एक बार अगर आप प्रश्न पूछ लें तो चर्चा चालू हो जाती है। तो इसलिए जब हम साथ में बैठें तो आप में से कोई भी एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछ ले किसी से भी, और फिर चर्चा करी जाए, बहुत बढ़िया चर्चा, डिबेट ना करी जाए, ज्ञान के आधार पर चर्चाएं करी जाए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर चर्चा चालू हुई है, देखते हैं चर्चा कब खत्म हुई। तो बोलते हैं कि मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमन यम भ्रातु संयमन यम भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात। मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो। तो विदुर जो थे पहले यमराज थे, और यमराज ने एक बार मांडव्य मुनि को उनको दंड दिया क्योंकि उन्होंने बचपन में कोई दुराचार किया था, किसी पक्षी के साथ कुछ किया था, बहुत छोटे उम्र के थे, लेकिन यमराज ने उनको दंड दिया। वो एक अलग कहानी है। तो जब मांडव्य मुनि को पता चला कि मेरे बचपन में किए गए अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, तो उन्होंने यमराज को ही श्राप दे डाला। अब यमराज भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं, ऐसा आपको अभी पता चलेगा इन श्लोकों से। तो किस प्रकार से यमराज, अब देखिए विदुर जो है उन्हीं के अंश हैं और कितने भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम विदुर क्यों बने, क्योंकि मांडव्य मुनि ने तुम्हें श्राप दिया था। अब श्राप क्या दिया था, भगवान के सारे पार्षद जब भगवान आते हैं तो कुछ ना कुछ लीला करने तो आते ही। अब यमराज बेचारे हमेशा सेपरेशन में रहते हैं, भगवान गोलोक में, यमराज यमलोक में, दुष्टों को दंड देते देते बेचारे कहते हैं कोई तो कीर्तन करने वाला आ जाए, कोई तो हरे कृष्णा बोले। अब जो हरे कृष्णा बोले तो यमराज के द्वार क्यों खोले, वो तो चला जाता है, यमराज के पास हरे कृष्णा वाले आते ही गए। तो बताइए बिना एसोसिएशन के अकेले बैठे हैं, तो ये भी कारण भगवान का बनता है। भक्तों को अपने साथ बुलाते हैं भगवान, अपनी लीला जब करने जब आते हैं, तो भगवान आए कृष्ण के रूप में तो यमराज आए विदुर के रूप में, लेकिन उन्हें ऐसा दिखाया गया कि एक श्राप मिला। तो बता रहे हैं कि तुम वही हो और तुम मांडव्य मुनि के श्राप के कारण आए, इस प्रकार से बताते हैं। भवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्य ही यस्य ज्ञानोपदेशाया मदीशद भगवत भगवान वर्जन। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं। देखिए जी, यहाँ पर एक सीनियर व्यक्ति को लेक्चर देना है, जूनियर व्यक्ति जो है उनसे प्रश्न पूछ रहा है, अब वो उन्हीं की प्रशंसा करे जा रहे हैं। भगवान के भक्तों की यही महत्वता है कि वो एक दूसरे का गुणगान करते हैं। दोष दर्शन करना भगवान के भक्तों का काम ही नहीं है। आप कहेंगे जी हम भी नहीं करते हैं दोष दर्शन, महान भक्तों में तो हम भी गुरु महाराज के, हमसे सुनिए प्रभुपाद के, सुनिए जी ग्लोरिफिकेशन हम भी करते हैं। लेकिन भक्तों को हर किसी की ग्लोरिफिकेशन करनी आती है वास्तव में, हर किसी की, क्योंकि हरे कृष्णा डिवोटीज आर वेरी रेयर कमोडिटी। संसार के अंदर ये स्पीशीज बहुत ही एंडेंजर्ड है एक तरह से, वैसे तो बढ़ रही है, नेचर तो नहीं है, लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही विरला लोग हैं। कहते हैं ना कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान ज्ञान माम प्रबंधे वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है जो मानता है, जानता है इस भगवत को कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ हैं, उन्हीं को शरणागति करना चाहिए, उन्हीं के प्रति शरणागत है। ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है, चाहे उसके अंदर कई अनर्थ क्यों ना हो अभी, और धीरे धीरे भक्ति से सारे अनर्थ चले जाएंगे। तो इसलिए एक दूसरे का गुणगान करते हैं, कहते हैं आप भगवान के नित्य संगियों में से हैं विदुर,
जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास संदेश छोड़ गए थे। तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप मेरे से ही प्रश्न पूछते हैं। अथ ते भगवत लीला योग माया उरु ब्रह्मिता विश्वस्थिति उद्भव अंत अर्था वर्णयामि अनुपूर्वश। अतः मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरत भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। क्योंकि तुमने मुझसे पूछा कि बताइए कि कृष्ण कैसे विष्णु का अवतार लेते हैं, कैसे वो गर्भ सही कारण सही इत्यादि विष्णु बनते हैं, कैसे संसार क्रिएट होता है, कैसे उसका पालन होता है, कैसे समाप्त होता है, जरा ये सब बताइए। तो कहते हैं मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा। भगवान एक आशा इदम अग्रे आत्मा आत्मनाम विभु आत्मेच्छानुगता आत्मा नाना मत्युपलक्षणा। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। समस्त जीवों के स्वामी सृष्टि के पहले अद्वय थे वहां पर विराजमान थे। केवल उनकी इच्छा से ये सृष्टि संभव होती है। और वो ऐसी इच्छा क्यों करते हैं? वो भी ऐसी इच्छा हमारे लिए करते हैं। कई बार हमारे पिताजी कहते हैं आइए चलिए खेलते हैं, चलो खेलो, चलो खेलते हैं पार्क में जाके। वो हमारे लिए ऐसी इच्छा करते हैं ताकि हम उनके साथ खेलें, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो भगवान ये सृष्टि की इच्छा करते हैं ताकि हम लोगों को कुछ प्लेग्राउंड मिल चुके, क्योंकि हमने बड़ा हल्ला मचा रखा था। घूमने जाना है, झूला लगाया, मेला लगाया, चलो। मैंने कहा नहीं, वहाँ धूल लगी है, नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने आप जा रहा हूँ। कुछ इस तरह की सिचुएशन हमने पैदा कर दी। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो भगवान ने सृष्टि बनाई और सारी वस्तुएँ पुनः उसमें सृष्टि बनाते हैं और फिर अंत में उसी में सृष्टि की समाप्ति होती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। सवा एष तदा दृष्टा नापश्य अदृश्य मे कराट मेन मेने असंतमिवात्मानम सुप्त शक्तिर सुप्त दक। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व नहीं था। तो विराट जगत क्या मतलब है? ये सृष्टि को हम विराट जगत कहते हैं, जिसमें सारे प्लेनेटरी सिस्टम है, इसमें सारे नदियां हैं, ये पेड़ हैं, ये पहाड़ हैं, ये भूमि है, सारी वस्तुएं हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर के लोग हैं, सारा ये विराट जगत कहलाता है। तो ये उस वक्त विराट जगत नहीं था। और अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी तथा अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तो भगवान की दो मुख्य शक्तियाँ बोलते हैं, शक्तियाँ तो और भी हैं, अंतरंगा और बहिरंगा। तो अंतरंगा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो आध्यात्मिक जगत में भगवान की लीलाएं करती हैं, और बहिरंगा शक्ति इस संसार में इसको क्रिएट करती है, हम लोगों का पालन पोषण करती है, उसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो उस वक्त ये बहिरंगा शक्ति व्यक्त नहीं थी, केवल अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी, मैनिफेस्ट थी। और ये शक्ति जो है बहिरंगा, ये बीच बीच में आती है और चली जाती है। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, ये जो जगत है ये मैनिफेस्ट होता है एक बुलबुले की तरह, जैसे कि बच्चा बुलबुला छोड़ता है करके, ये बुलबुले की तरह है ये सृष्टि क्रिएट होती है। ब्रह्मा जी इसके अंदर क्रिएशन करते हैं और बुलबुला थोड़ी देर में फट जाता है। और ये थोड़ी देर का फटना ये अनंत काल होता है, वास्तव में करोड़ों वर्षों का समय बीतता है। तो इस प्रकार से पहले भगवान केवल अंतरंगा शक्ति थी और फिर ये बहिरंगा शक्ति आई। सवा एतस्य संदृष्टो शक्ति सददात्मिकः माया नाम महाभागा ययेदम निर्ममे विभु। भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, ये बहिरंगा शक्ति को हम देख सकते हैं, आप जानते ही हम देखते हैं सब चीज़ों, लेकिन इसमें भी हम कई चीज़ें नहीं देख पाते हैं, हमारी आंखों की भी लिमिटेशन है। लेकिन अंतरंगा शक्ति तो हम देख ही नहीं पाते। विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। इस विराट जगत में ये जो बहिरंगा शक्ति है इसी का चलता है, इसको हम महामाया भी कहते हैं। महामाया सुना होगा आपने, एक होती है योग माया, एक होती है महामाया। योग माया भगवान के धाम में और महामाया संसार में। इसलिए इस जगह को देवी धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह देवी का राज चलता है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। ये बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान की बहुत ही शुद्ध दासी है। लेकिन लोगों ने इसी को सर्वे सर्वा मानकर इन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी है, भगवान को भूल ही गए हैं, क्योंकि ये उन्हें सुख संपत्ति देती है ऐसा उन्हें लगता है।
लेकिन सुख संपत्ति देकर वो सबको भ्रमित कर रही है। हाँ, वो दूध में से मिलावट का पानी निकाल रही है हंस की तरह, ताकि सारी गंदगी यहीं पर रह जाए और शुद्ध लोग चले जाएं। हाँ, तो जो गंदगी है वो इन्हीं रुपयों पैसों टुकड़ों में इस माया शक्ति का, दुर्गा भवानी अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं और इनसे वर मांगते हैं, और इस प्रकार बड़ा आसान हो जाता है दुष्टों को अलग करना। देखिए बड़ा आसान है, भगवान की छलनी बड़ी आसान है दुष्टों को शुद्ध भक्तों से अलग करने के लिए। कुछ चंद टुकड़े फेंकिए, जो टुकड़ों पे कूद गए उनको टुकड़ों की ज़रूरत थी। तो इस तरह से भैया बहिरंगा शक्ति भगवान की बहुत ही क्या है, लॉयल है और बड़े अच्छे से काम कर रही है। वो इतने अच्छे से काम कर रही है कि संसार से कोई भी अशुद्ध व्यक्ति निकल ही नहीं सकता है। ये ऐसी जेल नहीं है जिस जेल को तोड़कर सुरंग बनाकर कोई निकल जाए, इस जेल में से कोई निकल ही नहीं पाता है। ऐसी इतनी लॉयल ये भगवान की ये जो शक्ति है बहिरंगा, ये दुर्गा, ये भगवान के लिए कार्य करती है और ऐसा मोह लेती है संसार के लोगों को, क्योंकि केवल शुद्ध व्यक्ति ही जो भगवान के शरणागत है वही इसको लांग सकता है। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम अधोक्षज पुरुषेण आत्मभूतेन वीर्यम माधत्त वीर्यवान। अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के तीन गुणों में बीज स्थापित करता है और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तो सर्व योनिषु कौन्तेया, भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रतापिता, कि मैं वो बीज देने वाला हूँ। जैसे पिता वीर्य के माध्यम से पुत्र का बीज स्थापित करता है गर्भ में, उसी प्रकार प्रकृति के गर्भ में भगवान जीवों के बीज को डालते हैं। जीव किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। वो अपने अंश को प्रकृति के गर्भ में डालते हैं, ये तभी इस प्रकृति में कुछ काम चालू काम काज हो पाता है। ये प्रकृति आपको अच्छी तब लगती है, आप ध्यान से सोचिए, आपको बहुत बेस्ट ऑफ द प्लेस भेज दिया जाए संसार में, जो आपका सपना है देखने का, समझ लीजिए यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं US में है, कहीं पर, वहाँ पे आप चले जाएँ और अचानक से आप देखें कि कोई भी आदमी नहीं है, एक भी बिल्डिंग में आदमी नहीं है, पार्क में गए आदमी नहीं है। भयंकर पिक्चरों में, सपनों में ऐसा दिखाते हैं ना, भयंकर पिक्चरों में अचानक से आदमी उठता है, कोई भी नहीं है दुनिया में। अब वो भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, हाँफ रहा है, इस बिल्डिंग में जा रहा है कोई नहीं है, दुकान में जा रहा है कोई नहीं है। अब वो मुझे लग रहा है थोड़ी देर में हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो ये प्रकृति हमें अच्छी तब लगती है जब उसमें भगवान के अंश हमें दिखते हैं, वरना सुंदर से सुंदर उद्यान, पार्क, बिल्डिंग, पुल, पहाड़ सब नीरस लगते हैं। तो भगवान जब तक इसमें अपने अंश जीवों को डाल नहीं देते, तब तक ये प्रकृति सुंदर नहीं लगती। और भगवान ही इसलिए हमारे पिता हैं, क्योंकि वही हमें स्थापित करते हैं संसार के अंदर, और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। ये कौन से जीव होते हैं? ये वो जीव होते हैं जिनके अंदर भौतिक पदार्थ को भोगने की इच्छा होती है। इसलिए यदि संसार से दूर जाना है तो हमें इस पदार्थ को, यानी कि मैटर को, यानी कि इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छाएं हमारे अंदर हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स, उनको ठंडा करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ से, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी डिज़ायर है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो भगवान संसार बनाते हैं, इम्परफेक्ट वर्ल्ड, जिसमें हम हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं और बहुत जन्मों के बाद हमें समझ में आता है कि कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन बीच बीच में कोई साधु पुरुष आके हमें जगा देता है और भगवान की तरफ मोड़ देता है। तो इसलिए इस संसार का क्रिएशन किया जाता है। तथा अभवत महत तत्तत्व अव्यक्तात् काल चेतिदात् विज्ञान आत्मा आत्मदेहस्थम विश्वम व्यंजन तमानुदा। और उसके बाद तत्पश्चात नित्य काल की अंत्य क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परमसार, जो कि महत्तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ। और इस तरह महत्तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। तो महत्तत्व हम कई बार आपको समझा चुके हैं, समझ लीजिए बहुत ही रॉ लैंग्वेज में, कि मिट्टी, आकाश, जल, वायु का एक पिंड, इन पंच तत्वों का और बहुत कुछ, इन सारे तत्वों का जिनसे आगे क्रिएशन होनी है, उन तत्वों का एक गोला प्रकट हो गया। अभी इसमें अलग अलग वस्तुएं नहीं बनी है, ये एक पिंड की तरह है। अभी इस पिंड से, जैसे कई बार बच्चों को एक आटे का गोला दिया जाता है तो बच्चे उससे कई बार स्नेक बना लेते हैं, बत्तख बना लेते हैं, हाँ, तो अभी ये गोले की तरह है। इस गोले के अंदर समझ लीजिए मल्टीग्रेन आटा, इसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो महत्तत्व वो वस्तु है जिससे अभी वैरायटी पैदा नहीं हुई है। अब धीरे धीरे इसमें भगवान ने शुद्ध सत्व को डाला
प्रकृति के में बीज डाला, जीवों का बीज डाला और बहुत सारी चीजें डाली जो आगे बताया जाएगा, और हम इसको बड़े प्रेम से सुनेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की